दूसरे यूनाइटेड नेशंस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस डे के उपलक्ष्य में आज उद्यम संगम 2018 का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुझे भाग लेते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह उद्यम संगम MSME क्षेत्र के लिए प्रभावी इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जहां विभिन्न नदियां मिलती हैं उसे हम संगम कहते हैं। भारतीय परंपरा में संगम स्थलों पर कुंभ और महाकुंभ आयोजित किए जाते हैं। आज का भी ये समारोह उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए MSME उद्यमों से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के संगम का आयोजन है। मुझे बताया गया है कि संगम में फाइनेंस, ट्रेनिंग व शिक्षण संस्थानों, इंडस्ट्री, मीडिया, राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर व्यापक परामर्श के जरिए भविष्य में बेहतर MSME इकोसिस्टम प्रदान करने के रास्ते तय करेंगे। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई जब बताया गया कि इस उद्यम संगम में भाग लेने वालों की संख्या लगभग 6000 है। इस प्रकार का आयोजन मुझे लगता है कि MSME क्षेत्र में ये पहली बार हो रहा है। MSME क्षेत्र की पूरी प्रोसेस चेन को ध्यान में रखते हुए आज लॉन्च किया गया संपर्क पोर्टल नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल पूल को विकसित करने और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे बताया गया है कि इस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन उद्योगों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए हायर क्रेडिट सपोर्ट, कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी तथा इनोवेशंस पर ध्यान दिया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को निर्धारित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये उल्लेख किया है कि विश्व के 90% उद्यम इन्हीं श्रेणियों में आते हैं, जो कि 50 से 60% रोजगार भी प्रदान करते हैं। मुझे बताया गया है कि विश्व का 50% GDP इन्हीं उद्यमों से प्राप्त होता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत में इन उद्यमों को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं उद्यमों में होता है। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक लोग इन्हीं उद्यमों में रोजगार पाते हैं। इन उद्यमों में अपेक्षाकृत कम पूंजी की लागत पर रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। इन उद्यमों के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके माध्यम से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रोजगार पैदा होते हैं। समावेशी विकास की दिशा में इन उद्यमों की क्षमता का समुचित उपयोग करने के लिए लुधियाना में नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब हब की स्थापना की गई है। इस पहल के फलस्वरूप उद्यम और रोजगार के अवसर प्रदान करने के इच्छुक इन वर्गों के युवाओं को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपनी प्रोक्योरमेंट का 20% माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से करें और उसमें भी 4% प्रोक्योरमेंट वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के उद्यमों से करें। MSME मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष शुरू किए गए उद्यम सखी पोर्टल से देश की लगभग 80 लाख महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग, फंड रेजिंग, मार्केट सर्वे और टेक्निकल असिस्टेंस की सुविधा
भी प्राप्त कराई जा रही है। इस तरह एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण और विकास के विकेंद्रीकरण के जरिए समावेशी विकास में मदद मिलती है। आज एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, सोलर चरखा मिशन। इसका मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है। इस मिशन से ग्रामीण इलाके में खास करके महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी, साथ ही साथ ग्रीन इकोनॉमी के विकास को भी अधिक बल मिलेगा। भारत सरकार ने एमएसएमई उद्यमियों के हित में कई विशेष प्रावधान भी लागू किए हैं। इसी महीने जारी किए गए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 में इन उद्यमियों को विशेष राहत दी गई है। आरबीआई द्वारा जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड एमएसएमई बारोवर्स के लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट की श्रेणी में डालने के लिए डिलिंक्वेंसी नॉर्म्स में रियायत दी गई। हाल ही में ये रियायत उन सभी एमएसएमई उद्यमियों के लिए भी प्रभावी कर दी गई है जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमई उद्यम है, जिनमें 11 करोड़ से भी अधिक रोजगार उत्पन्न हुए। हाल के समय में इन उद्यमों ने 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है, जो कि बड़े उद्यमों की अपेक्षा बहुत अधिक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इन उद्यमों ने इसरो के चंद्रयान और भारतीय वायुसेना के तेजस एयरक्राफ्ट के लिए भी आवश्यक उपकरण और सेवाएं प्रदान की हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इन उद्यमों में उच्च स्तर की गुणवत्ता भी पाई जाती है। गुणवत्ता के इस पक्ष पर और अधिक जोर देने के लिए शुरू की गई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम एक अच्छी पहल है। इससे एमएसएमई उद्यमों की देश विदेश के बाजारों में पहुंच बढ़ेगी तथा पर्यावरण पर भी दबाव कम होगा। देवी और सज्जनों, इनोवेशन द्वारा एमएसएमई उद्यम सामाजिक समस्याओं के लिए प्रभावी और किफ़ायती समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे बताया गया है कि तमिलनाडु के अरुणाचलम मुरुगनाथन ने महिलाओं के हाइजीन के लिए बहुत ही कम कीमत पर सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराकर बहुत बड़ा सामाजिक योगदान किया है। और अब उनके उत्पाद के लिए 100 से अधिक देशों में रुचि दिखाई गई है। उनकी सफलता से प्रेरित होकर एक फिल्म भी बनाई गई जो कि बहुत लोकप्रिय हुई। इस तरह के और भी बहुत से प्रेरक उदाहरण हैं, उन पर भी यदि फिल्में बने तो देश में ऐसे स्वरोजगार के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार हो सकेगा। प्रतिभाशाली लोगों को ऐसी फिल्में बनाने के लिए मंत्रालयों द्वारा सुझाव और सहायता भी दी जा सकती है। ग्रासरूट्स इनोवेशन के द्वारा एमएसएमई एंटरप्रेन्योर अपने आसपास के क्षेत्र में स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित किफ़ायती समाधान उपलब्ध करा सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हमने देखा है कि बांस का इस्तेमाल करके पवन चक्कियाँ बनाई गई हैं। स्थानीय जड़ी बूटियों का उपयोग करके औषधियाँ बनाई जा सकती हैं। ऐसे उद्यम आसपास के समाज और पर्यावरण के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। मुझे आशा है कि इस संगम में होने वाले विचार विमर्श के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुछ नए समाधान उभर कर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ उपस्थित एमएसएमई क्षेत्र के प्रतिनिधियों में से कुछ उद्यमी विश्व मंच पर भी भारत का गौरव बढ़ाएंगे। अंत में इस उद्यम संगम की सफलता और एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।